सच बता रहा हूँ, घरान मना मजा आ जाना तो गारंटी है, सैलरी हम देंगे तुम्हारी मर्जी, जो तुम बोलोगे इतनी सैलरी, खाली 15 दिन काम करना हुआ 30,000 रुपये सैलरी, बताओ बोले आंसर में आ जाओ करोगे जॉब। हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ आदित्य चौधरी, स्वागत है आपका RDS प्रोडक्शन में। यार आवाज़ नहीं निकल रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, मौसम हो गया ठंडा ठंडा सा ना भाई, कला बैठ गया बिल्कुल। तो यार बहुत ही धमाकेदार वीडियो बनी है, तो जाओ देखो वीडियो को, हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। हेलो राम राम जी, आप दिल्ली से हो क्या वैसे? हैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा दिल्ली से ही हूँ, ऐसे करो जैसे वो गाना नहीं आता दिल्ली से हूँ बहन चोर, ऐसे कर रही हो वही वाली हो क्या? ओह माय गॉड, आप भी दिल्ली से हो क्या? दिल्ली से ही हो? कहाँ से हो दिल्ली में? नागलोई से। एक्चुअली मैं बुलंदशहर से आया हूँ यहाँ पर, तो गाँव वाँव में रहते हैं हम लोग, तो यार मैंने एक बिजनेस खोला है वहाँ पर, तो वहाँ पर दुकानदारी चल रही नहीं है बिल्कुल भी, और पापा ने लगा दिए पैसे उसमें। क्या बिजनेस? बिजनेस बहुत कैड़ा है। तो बिजनेस का नाम भी होगा ना? बिजनेस का नाम है फास्ट फूड। फास्ट फूड खाती हो ना? फास्ट फूड तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद ही। तो फिर इसी बात पे यही तो चाह रहा था मैं, ठीक है। तो यार पापा जी ने मेरा बिजनेस खुलवा दिया फास्ट फूड का, ठीक है। उसमें लग चुका है पैसा घना, ठीक है, 1.5 लाख रुपये लग गया अभी तक, ठीक है। अभी तो चल रहा काम, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे। तुम भी चाहते हो कि जॉब वॉब कर लूँ? तो यार मैंने ना बुलंदशहर में एक बिजनेस खोला है। चिल्ली पटेटो खाती हो? कितना खाती हो? खा लेती हूँ। नॉर्मल खा लेती हो? अच्छा नहीं, क्या ब्रेकअप ब्रेकअप हो गया? ऐसे सोच सोच में क्यों, पता नहीं क्या ऐसे लग रहा, सोच रही हो पता नहीं क्या, कुछ कुछ नुकसान हो गया हो तुम्हारा? नहीं नहीं नुकसान वाला। तो यार मेरे पापा ने एक बिजनेस खुलवाया, उसमें लग गया पैसा ज़्यादा, 2-2.5 लाख रुपये लग गया, तो बिजनेस चल रहा नहीं बिल्कुल भी। तो मैं सोच रहा हूँ सबकी डिमांड ये आ रही है, कोई लोंडिया पकड़ ला दिल्ली से, एक निक्कर सा पहन के और कहते हैं थोड़ा सा छोटा छोटा कपड़ा पहन के, तुम खाली चिल्ली पटेटो एक भी करना वहाँ पर। यार हंस लो यार, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या ये बताओ ना? वैसे क्या करते क्या वैसे तुम? वैसे तो क्या हो गया, फर्स्ट ईयर करती रहना वहाँ पर चिल्ली पटेटो बेचती रहना, 500 रुपये झाड़ी मिलेगी पहले बता रहा हूँ। क्या यार हंस रहे हो यार तुम? देखो ग्राहकों की डिमांड है एक लोंडिया लाने की, सेक्सी सी लोंडिया, मैं उसी को मैं कर रहा हूँ अलग ही दिखनी चाहिए। हाँ मैं इसी मारे मैं सोच रहा हूँ एक लोंडिया मिल जाए यार, ढूंढ लो फिर मिल जाएगी। तो ढूंढ तो रहने आया हूँ, तुमसे तो बात करने आया हूँ। वैसे करते क्या हो वैसे तुम? कॉलेज फ्रेंड अभी कर क्या रही हो उसमें? तो घर वाले ये भी चाहते मेरी लड़की जॉब करे, बिल्कुल सब चाहते हैं, ठीक है। तो मैं सैलरी पे रख लूँ? अरे मैं कह रहा हूँ देखो सुनो, छोटे छोटे कच्चे पहन के जब चलोगे ना तुम हमारे रेस्टोरेंट में, भगवान जान कसम हम, अरे यार बिजनेस में तो करना पड़ता है ना, हमारे यहाँ के जो है ना लोंडे अलग अलग, वीरपाल धर्मेंद्र अलग ही देखेंगे तुम्हें, क्योंकि दिल्ली की लोंडिया बहुत सेक्सी होती है, बढ़िया अलग ही, ऐसी बात होती है। अब आप बताओ आप अलग होनी हो हटके, बिल्कुल बिल्कुल लुकिंग वाइज अच्छी स्मार्ट नहीं होगी तुम, ब्यूटीफुल सी। तो यार मैं सोच रहा हूँ ना, है बहुत सी तो खजीली भी तो होती है, मतलब खजली सी बेकार सी। हाँ तो मैं सोच रहा हूँ यार ब्यूटीफुल सी लड़की आ जाए, उसे जॉब पर रख लूँ, और करना कुछ नहीं है, जो से हमारा कोई हम वादा ना गेस्ट वेस्ट जो भी आते हैं, जैसे कोई आ गया कहते हैं ग्राहक आ गया, तो उसे हम चिल्ली पटेटो सर्व करने हैं बस। कर लोगे? क्यों दिक्कत क्या है बताओ? चिल्ली पटेटो तो मोमोज भी एक देना साथ में, आजकल लोगों ने जाओगे तो देखो तुम्हें बिरयानी चलेगा। क्या बिरयानी? बिरयानी अरे वो नहीं चाहिए मुझे, कहते मुर्गा वर्गा नहीं खाता ना मैं आजकल, वेज भी नहीं चाहिए ना वहाँ पर, कोई खाता नहीं वहाँ पर, नए नए पता है नए नए डिश जो चल रही है आजकल लोंडिया को वो चल रहे हैं पसंद, चिल्ली पटेटो मंचूरियन वंचूरियन सब बनवा रखा हमने। अच्छा तो मैं कह रहा हूँ बस यार एक लोंडिया जी सेक्सी से लोंडिया आ जाए ना वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट पे बैठने के लिए, बस खाली सर्व कर दे करे, उसको कहते हैं ना ग्राहकों को दे दे करे बस। अच्छा और सेक्सी सी ड्रेस पहन के जब चले करेगी ना अलग ही फील आया करेगी ग्राहकों को। बताओ सैलरी बता दो, देखो तुम बोलोगे देखो मैंने तो 500 रुपये झाड़ी बोल लिया, तुम बोलोगे तो सैलरी बेस तो भी रख लूँगा, तुम बोलोगे ना 20,000, 30,000, 25,000 जो भी सैलरी होगी बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सच बता रहा हूँ। घरान मना मजा आ जाना तो गारंटी है, सैलरी हम देंगे तुम्हारी मर्जी, जो तुम बोलोगे इतनी सैलरी, खाली 15 दिन काम करना हुआ 30,000 रुपये सैलरी, बताओ बोले आंसर में आ जाओ करोगे जॉब? कर लो यार अपनी दुकानदारी भी चल जाएगी तुम्हारा भी हाथ वाथ, देखो अभी स्टूडेंट हो क्या दिक्कत है, फर्स्ट ईयर है और पार्ट टाइम जॉब और क्या, कर लो यार। अच्छा और क्या कर लोगे तो बताओ यार। क्या अभी तो तुम कहती थी हनीड है, बट मेरे पेरेंट्स नहीं बोलते नहीं। तो पेरेंट्स तो तुम्हारे खाली कच्चा पहनने के लिए तो मना करने हैं नहीं करने देंगे वो। अरे यार 50,000 मिलेगी तो क्यों नहीं करने देंगे, ये जो फोन चला रहे हो ना भूल जाओगी,
सीधा एप्पल ले लोगी एप्पल ले लो हाँ और जब तुम चलोगे ना तुम्हारी जान कसम अलग ही फील आएगा कहता दही चिल्ली पटाटो दही चिल्ली पटाटो मोमोज मोमोज चिल्ली पटाटो ना मजा आ जाए तो गारंटी हमारे नाम बदल देना नाम क्या है वैसे अन्नु कुछ सेक्सी सा नाम बताओ ना तुम अपना अहाना बजाज कोई वो थोड़ी मोटरसाइकिल दुकान थोड़ी खोल ले अहाना बजाज अहाना फास्ट फूड कॉर्नर अलग ही फील आएगा क्यों देखो उसका नाम रखेंगे तुम्हारा नाम क्या है वैसे मैं अरे महक रेस्टोरेंट का तुम्हारे कसम तुम्हारा नाम लिखवा दूंगा उस पे ऑनर मेरे को ही बना दो ऑनर नहीं बना सकता मैं ये ही बताओ ना फिर तुम यूं कह रहे हो पूरा बिजनेस तुम छीन रही हो नहीं नहीं हमें गल्ले पे नहीं हमारा खुद का बिजनेस है किस चीज का आजादपुर में पापा सप्लाई करते हैं काय की लड़की सप्लाई करते हैं अच्छा सब्जी सप्लाई करते हैं अच्छा तो क्या हो गया अंकल से बात कर लूंगा दूसरा बिजनेस और खुलवा दूंगा दूसरा कोई खोलना ही नहीं है उसी से बहुत कुछ करना नहीं है मतलब अरे पेरेंट्स को छोड़ो ना ऐसा करते हैं मैं भी तो बोलना पड़ता है मेरी बात सुनो साइड बिजनेस करते रहो ठीक है यहाँ भी कर लेंगे नहीं यहाँ नहीं करना क्यों मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी ऐसे हैंडसम लौंडा मिल जाएगा जाट का लौंडा हूँ नहीं जाट का मैं लौंडा नहीं जाट का मैं ना मैं छोरा छोरा ना मैं आम हूँ सुनता ना किसी का ना गुलाम हूँ हाँ यार एक जोड़ा कर लो यार और पापा पता मेरे पापा ने दूसरा बिजनेस भी खुलवा रखा है शौक ना हो जाए तो गारंटी है बताऊँ कौन सा बिजनेस खुलवा रखा है तो वो पेड़ के पास देखो कौन सा लौंडा खड़ा उधर देखो देखो प्रैंक शूट कर रहे हैं हम तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो अच्छी इसको लाइक करें कमेंट करें ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और मेरे भाई का दूसरा चैनल है RDS एंटरटेनमेंट जाकर सब्सक्राइब जरूर करो यार उसको जाकर बिल्कुल ठीक है और सावधान रहें सतर्क रहें देखते रहें RDS प्रोडक्शन जय हिंद